Good morning everyone. So in this video, I will tell you how to perform docking using online web server tool SwissDock. So let's get started. अब हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं. अब यहाँ पे हम PDB सर्च करेंगे. फर्स्ट वाले सर्च को ओपन करेंगे. देन जो आपके इंटरेस्ट का प्रोटीन है उसको सर्च करेंगे. जैसे मैं ABL काइनेज को यहाँ पे सर्च करता हूँ विथ PDB ID 1 IEP. देन डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे. PDB फॉर्मेट में आपके प्रोटीन को डाउनलोड करेंगे. देन कॉपी दिस प्रोटीन एंड डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बनाएंगे डॉकिंग के नाम से. इसमें इसको सेव करेंगे. देन अब हम केमिकल कंपाउंड को डाउनलोड करेंगे. अब हम यहाँ सर्च करेंगे PubChem. देन PubChem में हम जैसे यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं. जैसे साइटो सैन केमिकल कंपाउंड को सर्च करेंगे. इस पर क्लिक करेंगे. देन इसको ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद इसको हम डाउनलोड करेंगे 3D कन्फर्मर में SDF फॉर्मेट में. नाउ ये जो डाउनलोडेड फाइल है केमिकल कंपाउंड की, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे. जो हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे डॉकिंग वाला, उसमें हम इसको भी पेस्ट कर देंगे Ctrl+V शॉर्टकट की से. देन हम डिस्कवरी स्टूडियो ओपन करेंगे. एंड डिस्कवरी स्टूडियो में हम सबसे पहले हमारा प्रोटीन जो है उसको ओपन करेंगे. कि आप देख सकते हैं प्रोटीन हमारा ओपन हो चुका है. अब हम यहाँ पे सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल डिलीट करेंगे. सिलेक्ट करेंगे देन क्लिक करेंगे. सो अब आप देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो येलो कलर से यहाँ पे हाइलाइटेड हो चुके हैं. इनको अब हम डिलीट प्रेस करके डिलीट कर देंगे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को. देन वी विल सिलेक्ट लाइगेंड, गो टू स्क्रिप्ट सिलेक्शन, देन सिलेक्ट लाइगेंड्स. अब देखिए इसी तरह यहाँ पे भी लाइगेंड्स हाइलाइटेड हो चुके हैं. जैसे ही आप डिलीट प्रेस करेंगे ये लाइगेंड्स भी डिलीट हो जाएंगे. देन ये जो हमारा प्रोटीन प्रिपेयर हो चुका है इसको हम सेव कर देंगे PDB फॉर्मेट में. इसको नाम दे दीजिए मोड, देन सेव इट. अब हम ओपन करेंगे हमारा केमिकल कंपाउंड जो हमने PubChem से डाउनलोड किया था. अब हम इस केमिकल कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे डॉकिंग के लिए. इसको हम mol2 फॉर्मेट में सेव करेंगे. Then save it. अब हम नए टैब में सर्च करेंगे SwissDock. ये ऑनलाइन डॉकिंग वेब सर्वर है. सबमिट डॉकिंग पे क्लिक करेंगे. Then फर्स्ट हम प्रोटीन अपलोड करेंगे. Go to desktop, select a docking folder. Now select the protein and open it. कुछ समय लगाएगा ये validate करने के लिए कि जो हमने protein दिया है वो proper है या नहीं.
अब ये वैलिडेट हो चुका है सक्सेसफुल सेटअप, मतलब आपने जो प्रोटीन यहाँ पे चूज़ किया है वो प्रॉपर है डॉकिंग के लिए। देन हम इसी तरीके से लाइगेंड भी सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। देन जो हमने अभी मोल टू फॉर्मेट में हमारा जो केमिकल कंपाउंड को सेव किया था उसे हम सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे। अब ये भी इसे इसी तरीके से यहाँ पे वैलिडेट करेगा। कुछ समय लगाएगा ये, इट टेक्स अप टू 5 मिनट। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी सक्सेसफुल सेटअप हो चुका है। देन आप अब इसे नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं जिससे आपको याद रहे। जैसे मैंने यहाँ पे साइक्लो दे दिया है। देन ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पे अब आप स्टार्ट डॉकिंग पे क्लिक करेंगे। सो अब डॉकिंग कुछ ही समय में स्टार्ट हो जाएगी स्विच डॉक के थ्रू। कई बार ये ज़्यादा टाइम भी लेता है डॉकिंग करने में, डिपेंड अपॉन कि सर्वर कितना बिजी है। सो जब एक बार डॉकिंग हो जाएगी आपकी, सो डॉकिंग होने के बाद रिजल्ट आपका ईमेल में कुछ इस तरीके से शो करेगा। आप जब क्लियर पे क्लिक करेंगे सो आपको रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से शो होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लाइगेंड प्रोटीन से बाइंड किया हुआ है। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड इसको और अच्छे से एनालिसिस भी इसका कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।